आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। सच तो सच है, हर खबर सत्यता पर आधारित। देखते रहिए MP7 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शिवानी धाकड़। आप देख रहे हैं लाखों दर्शकों की पसंद मध्य प्रदेश का टॉप MP7 न्यूज चैनल। आइए देखिए आज की ताजा अपडेट। मनासा ग्राम पंचायत चैनपुरिया ब्लॉक रामपुरा में गौशाला का होगा भूमि पूजन। लागत 37.84 लाख रुपए से निर्मित होगी, जिसका भूमि पूजन आज दिनांक 14 दिसंबर 2020 समय दोपहर 12 बजे किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि अनिरुद्ध माधव मारू विधायक मनासा, विशेष अतिथि बंसीलाल राठौर जिला महामंत्री भाजपा, शिव मरच्चा विधायक प्रतिनिधि गोपाल गुज्जर अध्यक्ष भाजपा मंडल रामपुरा उपस्थित होंगे। निजी स्कूलों पर नियंत्रण, मध्य प्रदेश शासन ने किए नए दिशा निर्देश जारी। भोपाल मध्य प्रदेश के निजी स्कूल प्रबंध के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि प्रबंधन अपने स्कूल के छात्र और पालकों को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ कॉपी पुस्तकें उनके द्वारा चयनित विक्रेताओं से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। इसके लिए यदि निजी स्कूल यूनिफॉर्म बदलते हैं तो बदला हुआ नया यूनिफॉर्म अगले 3 सत्र के लिए मान्य किया जाएगा। निजी स्कूलों पर नियंत्रण रखने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने गाइडलाइन के निर्देश दिए हैं कि निजी स्कूल यूनिफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्यक्रम सामग्री पर स्कूल का नाम प्रेषित नहीं करेगा। वहीं गाइडलाइन के मुताबिक छात्रों को परिवहन सुविधा देने के लिए ली जाने वाली फीस का जिक्र भी प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर में दिखाना होगा। वहीं यदि अभिभावकों निजी स्कूल द्वारा फीस बढ़ोतरी को लेकर शिकायत करता है तो इसकी जांच जिला समिति करेगी। भोपाल साक्षर भारत मिशन योजना में सेवारत रहे शिक्षा प्रेरकों को विगत 31 मार्च 2018 को सरकार ने निष्कासित कर दिया था, जिससे प्रेरकों का जीवन संकट में आ चुका है। प्रेरकों के हक व अधिकार के लिए आदर्श प्रांतीय शिक्षक प्रेरक संघ भोपाल द्वारा आगामी 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश स्तरीय बैठक भोपाल में रखी जा रही है और मध्य प्रदेश शासन के मंत्रियों से मुलाकात करते हुए प्रेरकों की सेवा बहाली हेतु गुहार लगाई जाएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व समाचार विज्ञापन के लिए संपर्क जरूर करें।